नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कटहल की खेती के बारे में कि जिससे आप तकरीबन हर महीने दो साल के बाद 5 से 10 लाख रुपए की इनकम बड़े आराम से दोस्तों कर सकते हैं। बस तरीका आज के इस वीडियो में दोस्तों मुझसे आप सीख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हो, मैं आपको बताता हूँ कटहल की खेती के बारे में। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि आपने मार्केट में सबसे पहले इस चीज़ के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि क्या और कौन सी फसल की क्या रेट मार्केट में दोस्तों चल रही है। सबसे पहली चीज़ आपके पास ये प्राथमिकता होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात आपको इस तरह की फसल के बारे में अपना चुनाव करना चाहिए कि ज़िंदगी में आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना। और मैं जितनी भी आपको यहाँ पर वीडियोस के बारे में डिटेल बताऊँगा वो पर्सनली एक्सपीरियंस करने के बाद ही मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा, या मैंने उसके बारे में किसी से जानकारी ली होगी तो ही मैं उसी टॉपिक पर दोस्तों वीडियो बनाता हूँ, नहीं तो अन्यथा मैं 4 से 5 दिन 15 दिन तक लग जाए तो मैं कोई वीडियो दोस्तों नहीं बनाता। चलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कटहल फल तो आपने दोस्तों देखा होगा जिसका वज़न तकरीबन 5 से 10 किलो के कम का उसका वज़न होता नहीं, कम से कम 5 किलो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 किलो तक दोस्तों उसका वज़न हो सकता है। इतना बड़ा वो एक तरह का फल होता है जिसकी हम लोग सब्जी बनाते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों की इसकी सब्जी पसंद भी है दोस्तों, ठीक है। तो इसकी मार्केट में कीमत जो हम खरीद करके लाते हैं सब्जी वाले से उसकी तकरीबन 35 से 40 रुपए किलो तक उसकी कीमत होती है। तकरीबन 35 तो हम हर हाल में हम मान के चलें, जब भी उसकी बढ़ोतरी होती है फिर तकरीबन उसकी कीमत जो है 35-40 रुपए किलो तो आराम से दोस्तों रहती है। तो आप दोस्तों खुद सोचिए कि आप उसे 20 से 25 रुपए किलो में बड़ी आसानी से दोस्तों बेच सकते हैं। 20 रुपए किलो भी दोस्तों आप बेचेंगे उसको दोस्तों आपको कोई उसमें घाटा नहीं, ठीक है ना। अब करना इसको आपको किस तरीके से खेती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आप एक बीघा में जिसमें तकरीबन एक बीघा में जगह होती है 22,000 स्क्वायर फिट, ठीक है, उसमें आप इसकी स्टार्टिंग जो है 100 पेड़ों से दोस्तों कीजिए। नर्सरी में आपको बड़ी आसानी से इसके पौधे मिल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 2 साल का दोस्तों समय लगता है। 2 साल अगर आपने इसमें मन से दोस्तों दे दिए, मेरी गारंटी है आप ज़िंदगी में किसी और दूसरी खेती के बारे में नहीं सोचेंगे। मैं अपने हर वीडियोस में ये बात दोस्तों बोलता हूँ, क्यों? क्यों आजकल जो खेती लोग कर रहे हैं वो या तो नेट पे देख लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, उसकी महत्वपूर्ण पहले जानकारी आप निकालिए। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग वीडियोज़ बनाया था, मैंने आपको बता दिया कि मार्केट में पहले आप इसकी कीमत तलाश लीजिए। तकरीबन आप इसको 20 रुपए किलो बड़े आराम से दोस्तों बेच सकते हो। इतना तो रेट बड़ी आसानी से दोस्तों मिलता है, मिलता आ रहा है और मिलता रहे। काफ़ी ज़्यादा लोग कटहल की सब्जी को पसंद दोस्तों करते हैं, होटल हो चाहे हो कहीं पे भी। मिक्स वेज के अधिकतर सब्जी में इसका यूज़ किया जाता है, वैसे भी इसका यूज बहुत किया जाता है। तो आपको क्या है, 100 पेड़ों से इसकी स्टार्टिंग करनी है अपनी, एक बीघा में लगा करके देख लीजिए। 3-4 बीघा मत लगाइए, लगा सकते हैं तो लगा लीजिए, बहुत ही अच्छी बात होगी। नुकसान में आप बिल्कुल नहीं जाएंगे दोस्तों, ये मेरी जवाबदारी है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपसे, माँ की कसम खा के बोलता हूँ दोस्तों, अपनी माँ। इतना ज़बरदस्त दोस्तों फ़ायदा इसमें आपको मिलेगा महज 2 साल के बाद। सिर्फ और सिर्फ 2 साल आप इसको दिल से दे दीजिए, मन से दे दीजिए, मेहनत कर दीजिए, इस पर 100 पेड़ आप लगा कर तैयार कर लीजिए दोस्तों, पौधे लगा दीजिए, बढ़िया इनको पानी दीजिए। मजबूत पेड़ होता है, चाहे कितना भी तेज तूफान आ जाए इस पेड़ को हिला तक नहीं सकता, और इसको जो फल है वो भी इतनी आसानी से दोस्तों टूटते नहीं। जो आपने नारियल काटने वाला कुल्टा देखा होगा ना, उससे इसको तोड़ा जाता है, यानी काटा जाता है, इतना वज़नदार होता है। एक आदमी के बस की बात नहीं है, क्योंकि नीचे गिर जाएगा तो टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, मार्केट वैल्यू उसकी ख़त्म हो जाएगी, कोई उसको मार्केट में नहीं खरीदेगा। और एक डाली में जो एक डाल होती है उसमें तकरीबन 3 फल लगते हैं। आप दोस्तों इस बात से ही अंदाज लगा सकते हैं कि एक फल का वज़न कम से कम 5 किलो, ज़्यादा से ज़्यादा 15 किलो तक होता है। तो एक डगाल में
तकरीबन 50 से 60 किलो वजन के फल लटकते हैं। एक पेड़ में तकरीबन 40 से 45 फल मिलना मामूली बात है। बहुत अच्छी तरीके क्वालिटी का अच्छा पेड़ है दोस्तों, 50-60 फल भी उसमें बड़ी आसानी से आपको मिलते हैं। हर एक डेढ़ महीने में ये तैयार हो जाते हैं दोस्तों, लगने के बाद सिर्फ एक और डेढ़ महीने के बाद बहुत ज़बरदस्त ये फल बढ़ता है और पेड़ भी बहुत जल्दी ही दोस्तों बढ़ता है। इसलिए मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इसका 2 साल का दोस्तों टाइम बताया, 40 भी हम मान के चलते हैं एक पेड़ों में, तो आपके 100 पेड़ों में हर महीने 4000 फल लगेंगे। कितने? 4000। एक फल का वजन तकरीबन 5 से 10 किलो होता है, 15 किलो तक हो जाता है। हम सिर्फ और सिर्फ 10 किलो मान के चलते हैं उसका वजन, और इससे ज़्यादा ही वजन होता है दोस्तों, इससे कम नहीं होता, कम से कम 10 किलो। 20 रुपये किलो के हिसाब से आप मान लीजिए दोस्तों, एक फल की कीमत हो गई 200 रुपये की। एक पेड़ में कितने फल लगे? 40। कितने रुपये के हो गए? 8000 रुपये। कितने? 8000 रुपये के फल होंगे। 100 पेड़ों में आप फल अनुमान नहीं लगा सकते दोस्तों कितने होंगे। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता के चलता हूँ, 400 मान लीजिए आप, ये हर महीने 400 फल आपके पेड़ों में दोस्तों लगेंगे। कम से कम दोस्तों 400 तो लगेंगे ही, ये मेरी गारंटी है। चाहे कैसी भी आप उनकी देख रेख करें, कम से कम 400 फल 100 पेड़ों में, चार हज़ार फल। एक पेड़ में 40 लग रहे हैं, 100 पेड़ों में 4000 फल लगेंगे, 4000 फल। अब आप खुद गुणा करके देख सकते हैं, इंटू करके देख सकते हैं कि कितना आपका पैसा बनेगा एक महीने के अंदर, और ये फसल आपको हर महीने मिलेगी 2 साल के बाद। 200 रुपये का एक फल हुआ तो 4000 फल कितने के हुए दोस्तों? 8 लाख रुपए के। जिस तरीके से मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था दोस्तों कि इस खेती से आप हर महीने 5 से 10 लाख रुपए बड़ी आराम से दोस्तों कमाएंगे और ज़िंदगी भर तक कमाते रहेंगे। और जिस दिन दोस्तों आपने ये पेड़ 3 से 4 बीघा में, यानी कि 500 से 1000 पेड़ जिस दिन आपने दोस्तों खड़े कर दिए, मैं गारंटी देता हूँ आप कम से कम 1 करोड़ रुपए के मालिक होंगे एक महीने के। आप खुद अंदाज़ लगा के देख सकते हैं, और कहीं पर आपने अगर इसका पेड़ लगा देखा हो तो आप खुद अंदाज कर सकते हैं इस बात से कि उस पेड़ में कितने फल लगते हैं। और मेरा ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों, मैं हर वीडियो में आपसे बोलता हूँ कि आप खुद सब्जी मंडी जाकर या बड़ी थोक मंडी जाकर, जहाँ पर सारे किसान बेचने के लिए आते हैं, अब उसकी कीमत पता कर लीजिए, क्या भाव वो चल रहा है। इतनी ज़बरदस्त खेती है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 साल कड़ी मेहनत करना है, बस 2 साल कड़ी मेहनत आपने दोस्तों कर ली, ज़िंदगी भर किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी शानदार और बढ़िया खेती है, पेड़ है वो तो, और तकरीबन एक पेड़ की जो उम्र होती है वो 100 वर्ष हम मान के चलते हैं। आपने देखा होगा कई जगह पीपल और बरगद के पेड़ 500-1000 साल से खड़े हैं, उनको कोई टस से मस नहीं कर पाए। पेड़ काटते हैं लोग जानबूझ के, अपने आप नहीं कटता पेड़। बहुत ही बढ़िया फसल है दोस्तों, एक बार ज़रूर इसके बारे में जानकारी और मार्केट से इकट्ठा कीजिए और लगा करके देखिए दोस्तों कितनी ज़बरदस्त और बढ़िया खेती है। ज़िंदगी भर दोस्तों आपको फ़ायदा देगी, ना ही कोई बीज डालना है, ना ही कोई खाद डालना है, ना ही कोई कीटनाशक दवाइयाँ डालना है। सब तरह का पैसा आपका दोस्तों बच रहा है, जो आप सरसों के, गेहूं के और चावलों की खेती में इतना सारा पैसा लगाने के बाद तब जाके बड़ी मुश्किल में आपकी लागत निकल पाती है। वहीं कहीं अगर ओले और पानी की अगर बरसात हो गई तो आपकी पूरे साल की मेहनत बर्बाद चली जाती है। तो क्यों ना हम इस तरह की खेती करें, चाहे ओले गिरें, चाहे बाढ़ आए, चाहे तूफान आए, चाहे कितना भी पानी आ जाए, हमारी फसल को कोई टस से मस ना कर पाए। अब एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार फ़ायदे वाली खेती है कटहल की खेती, जो हर साल आपको तकरीबन, हर महीने आपको तकरीबन 5 से 10 लाख
और साल में आपको 1 से 1.25 करोड़ रुपए की इनकम करा सकती है, वो है कटहल की खेती। महज 2 साल का आप उस फसल को टाइम दीजिए, उन पेड़ों को बड़ा होने में टाइम दीजिए, फिर देखिए आप ज़िंदगी संवर जाएगी दोस्तों आपकी। इतनी ज़बरदस्त खेती है कटहल की खेती। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कटहल की खेती के बारे में। अगर आप करेंगे उसकी खेती तो हर महीने आप 5 से 10 लाख रुपए बड़े आराम से कमा पाएंगे, वो भी 2 साल के बाद। कोई ज़्यादा टाइम नहीं है दोस्तों, 2 साल का ऐसे निकल जाता है। तो पसंद आया हो दोस्तों मेरा वीडियो आज का, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के पास ही में जो बेल का बटन है उसको ज़रूर दबा दीजिए, जिससे मेरे हर नई वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। नमस्कार, जय श्री राम।